नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ कटिंग, और कटिंग में किस चीज़ की लगाऊंगी तो वो आप देखना वीडियो में, और कैसे लगाऊंगी और सर्दी में किस तरह से मैं इस कटिंग की देखभाल करूंगी, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। फ्रेंड, मैंने ली है ये पॉलीथीन, और इस तरह की पॉलीथीन हमारे घर में निकलती हैं तो हम उनको कबाड़ में नहीं फेंकते। फ्रेंड, इनको हम रख लेते हैं। देखिए, इस तरह की जो थैली होती है, इससे हमारे बहुत अच्छे से ग्रो बैग बन जाते हैं। हम कटिंग लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, किसी भी तरह से फ्रेंड हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह की पॉलीथीन बिल्कुल भी ना फेंके फ्रेंड, इनको आप कट करके और बहुत अच्छा सा एक पॉली बैग बना सकते हैं, और उसमें कटिंग भी लगा सकते हैं, प्लांट भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से इनको बनाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से हमने जो हमारा सामान था वो मैंने इनको रख लिया है, और ये खाली जो थैली है इनसे मैं बनाने वाली हूँ ग्रो बैग। तो देखिए, एक छोटा सा ग्रो बैग बनाऊंगी, तो इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से ग्रो बैग छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा तैयार करती हूँ। तो इस तरह से मैंने कट कर दिया है। अब ये देखिए आप इस तरह से, और आप इसको उल्टा कर लीजिए, जिससे हमारा ये जो लिखा हुआ है और कौन सा सामान इसमें आया है वो भी लिखा हुआ है, तो वो आपको ना दिखे। तो इस तरह से हम पॉलीथीन को कर लेंगे, और हमारा बहुत ही अच्छा सा फ्रेंड ग्रो बैग बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, आप छोटे से छोटा बना सकते हैं, बड़े से बड़ा बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये ग्रो बैग बन चुका है। इसमें फ्रेंड आप कटिंग लगा सकते हो, और कटिंग लगाने तो कटिंग लगा सकते हो, और आप कोई भी प्लांट भी लगा सकते हो, जैसे मनी प्लांट लगा सकते हो और जेट प्लांट लगा सकते हो। इस तरह से मैं इसको कट करके अच्छे से इसका शेप दे देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये बन चुका है। इसमें फ्रेंड मैं लगाने वाली हूँ कुछ कटिंग, तो इसको तो मैं साइड में रख देती हूँ, और ये भी मैं बना लेती हूँ ग्रो बैग, और इसका भी मैं बनाऊंगी, और इसका भी। तो ग्रो बैग तैयार करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने ये ग्रो बैग बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे ग्रो बैग बन चुके हैं, और यहाँ पर ये भी कर लिया है, और एक ये छोटा सा ये भी हो गया है, और ये आटे का जो आता है पैकेट उसका है, ये काफ़ी बड़ा है फ्रेंड। इसमें आप सब्जी भी लगा सकते हो, या फिर कोई भी आपका पौधा खराब हो गया हो उसको भी इसके अंदर डाल के और लगा सकते हो। और इसमें कुछ भी आप पौधा लगाओ, चाहे सब्जी लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। काफ़ी बड़ा ये ग्रो बैग है, और इसमें बहुत आसानी से प्लांट चलते रहते हैं। और इस तरह से हमने नीचे में ड्रेनेज हॉल भी बना दिया है फ्रेंड। देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने कट कर दिया है यहाँ पे, तो ये ड्रेनेज हॉल बन गया है, और बहुत अच्छे से हमारे प्लांट चलते रहते हैं। कुछ हमने अपने गार्डन में बनाए हुए हैं फ्रेंड, वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड देखिए, ये जो है हमारे पास ये गत्ता, इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, इनके अंदर भरने में काम आ जाता है। इतना हमारे पास, इतना सारा कहाँ से मिट्टी और खाद आएगा, तो इसलिए फ्रेंड मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जो बड़े प्लांट होते हैं पॉट, उनको भर लेती हूँ इनसे, और ऊपर से थोड़ी मिट्टी रख देती हूँ, और थोड़े दिनों के बाद इनकी भी खाद बन जाती है। तो ये भी बहुत अच्छे हमारे प्लांट के लिए रहते हैं। तो ऐसे कबाड़ का जुगाड़ करके फ्रेंड मैं कटिंग तैयार करूँगी। तो फ्रेंड, ये कटिंग है, देखिए कुछ दिन पहले मैंने इसको पानी में डाल दिया है। ये है गुड़हल की कटिंग, और इसको फ्रेंड मैंने 4 से 5 दिन के लिए पानी में डाला था। अब इसको फ्रेंड मैं मिट्टी में लगाऊंगी।
तो इसके लिए मैंने लिया है फ्रेंड ये ग्रो बैग, ये वाला ग्रो बैग है। इसके अंदर मैं इस गुड़ैल को लगाऊंगी, गुड़ैल की कटिंग को। तो इसके नीचे मैं डाल लूँगी फ्रेंड ये कागज, जिससे हमको मिट्टी कम भरना पड़ेगा। इतना सारा मिट्टी फ्रेंड डाल के भी हमारा ये जो ग्रो बैग होता है वो ज़्यादा भारी भी हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कबाड़ डाल देंगे, मतलब ये गत्ता। और गत्ते को फ्रेंड मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और कट करके इसमें डाल रही हूँ। और उसके ऊपर से मैं डाल दूँगी मिट्टी। मिट्टी को भी मैंने तैयार कर लिया है किचन वेस्ट खाद से और थोड़ी सी राख मिला के। तो मैंने अपनी जिससे राख फ्रेंड इसलिए मिलाई हुई है फंगस का अटैक ना हो मेरे प्लांट पर, अच्छे से मेरा जो कटिंग मैं लगाने वाली हूँ गुड़ैल की वो चलती रहेगी। गुड़ैल की कटिंग में फ्रेंड फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है, इसलिए मिट्टी में आप राख जरूर मिलाएं। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो वो मिला लें, फंगीसाइड नहीं है तो आप राख मिला लें। फ्रेंड फंगीसाइड वगैरह तो मैं लाती नहीं हूँ और मैं राख का प्रयोग करती हूँ अपने प्लांट में। और तो इसमें इस तरह से मैंने गत्ते भर लिए, यहाँ तक हमारे गत्ते हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी मिट्टी। फ्रेंड मैंने ये मिट्टी तैयार की हुई है, देखिए इसमें किचन वेस्ट है और थोड़ी बहुत मिट्टी है। और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ देखिए राख। इस तरह से इस राख को मैं मिला लूँगी मिट्टी में। आज तो फ्रेंड थोड़ी सी हवा चल रही है तो उड़ रही है ये राख। तो इस तरह से मैं राख का प्रयोग अपने मिट्टी में करूँगी, जिससे हमारे जो कटिंग लगाऊँगी मैं गुड़ैल की उसमें फ्रेंड फंगस ना लगे। तो इस तरह से एक मुट्ठी मैंने फ्रेंड मिलाई है, ज़्यादा नहीं मिलाई है। और बहुत अच्छा इसमें नाइट्रोजन होता है। अब मैं इसमें भर लेती हूँ जो हमारा ग्रो बैग है, इसके अंदर इस मिट्टी को मैं डाल लेती हूँ फ्रेंड। बहुत अच्छी तरीके से हमारी कटिंग्स लग जाएगी और बहुत अच्छी ये मिट्टी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह फ्रेंड मैं मिट्टी बनाती हूँ अपने प्लांट के लिए। तो इसी तरह मैंने बना दी है कटिंग के लिए तैयार। अब इसके अंदर मैं फ्रेंड कटिंग लगाऊंगी और ये कटिंग है गुड़हल की, तो इसको मैं लगाने वाली हूँ। पानी से बाहर निकालती हूँ इसको। और फ्रेंड थोड़ा सा अगर आप लगाओ तो एलोवेरा लगा लो इसमें। तो मैं इसमें एलोवेरा लगाने वाली हूँ फ्रेंड। ये देखिए इस तरह की मोटी मोटी मैंने कटिंग ले ली है। आप मोटी कटिंग ही लगाएं, पतली कटिंग बहुत कम लगने के चांस होते हैं फ्रेंड, तो इसलिए मोटी ही कटिंग लगाएं। पतली कटिंग नहीं लग पाती है और ख़राब हो जाती है फ्रेंड। तो इस तरह से अगर आप पत्ते भी निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, नहीं तो थोड़े दिन के बाद वो झड़ भी जाते हैं। और इसको आप पॉलीथिन से भी कवर कर सकते हैं फ्रेंड, करना चाहें तो। मैं तो फ्रेंड ऐसे ही लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड मैंने ले लिया एलोवेरा, ये देखिए आप, ये एलोवेरा ले लिया है। और इस एलोवेरा में मैं लगाऊंगी कटिंग, डिप करूंगी इसके अंदर इस तरह से। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इसको डिप करके, और देखिए कितना सारा इसमें जूस भी निकल रहा है। और अपनी कटिंग को इस तरह से लगा दूंगी। और फ्री का आप जुगाड़ करके कटिंग लगाएं, कभी भी इस कटिंग के लिए आप पॉट ना खरीदें, कोई आवश्यकता नहीं है पॉट खरीदने की फ्रेंड। तो इस तरह से आप कटिंग को लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगी हमारी कटिंग। और इसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी फ्रेंड, देखिए इस तरह से। और ये भी कटिंग में इसको भी इस तरह से डिप करूँगी और लगा दूँगी फ्रेंड। बड़े से इसमें लगा रही हूँ, अभी और मिट्टी भरूँगी फ्रेंड, देखते रहना आप। ये देखिए इस तरह से इसको डिप कर दूँगी और ये दोबारा से इसको भी लगा दूँगी, देखिए फ्रेंड। अब इसमें फ्रेंड थोड़ी सी मैं मिट्टी और डाल दूँगी, जिससे हमारी कटिंग हिले ना। ये बहुत अच्छी तरीके से इस कटिंग को लगाना है।
हिलना नहीं चाहिए फ्रेंड, कटिंग को अगर हिल रही है तो आपकी कटिंग नहीं लग पाएगी, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए इस तरह से मैंने अपनी कटिंग को लगा दिया है, अच्छी तरह इनको दबा दीजिए जिससे हमारी कटिंग हिले ना। देखिए फ्रेंड इस तरह से सीधा कर लीजिए और इनको दबा दीजिए, और मिट्टी कम हो तो और भी डाल दीजिए। देखिए मैंने बहुत सारी मिट्टी इसके अंदर भर दी है और अच्छे से हमारी कटिंग तैयार हो जाएंगे फ्रेंड इस तरह से। और अब मैं डाल दूंगी फ्रेंड इनमें पानी, देखिए, और इनको रोज पानी नहीं देना है फ्रेंड, जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए तभी आप इस कटिंग को पानी देना है। और देखिए फ्री के ग्रो बैग में हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप फ्रेंड। ये जो ग्रो बैग है फ्रेंड इसको मैं अभी कुछ नहीं लगाने वाली हूँ इसमें, और जब मेरे पास कोई प्लांट होगा तो लगाऊंगी, या फिर ऐसे जो ग्रो बैग होते हैं उनमें आप खाद बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो मैं इसमें खाद बनाने वाली हूँ जब मेरे पास किचन वेस्ट होगा तब। अभी तो फिलहाल मैंने बनने को रख दी है फ्रेंड, मेरी खाद बन तैयार हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल में मैं खाद भी नहीं बना रही हूँ। और फ्रेंड जो इस तरह के मैंने ये छोटे छोटे जो बनाए हैं इनको भी मैंने कटिंग लगाने के लिए तैयार करके रख दी है ये ग्रो बैग। तो इस तरह से आप फ्रेंड कटिंग लगाने के लिए फ्री के ग्रो बैग बना सकते हैं और कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देख लिए आप कितने अच्छे से हमारी कटिंग इसमें लग चुकी है, और देखिए हमने पानी दे दिया है और अंदर से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमारी ये कटिंग तैयार हो जाएगी। इसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी फ्रेंड। और इसको आप फ्रेंड धूप में रखना है, इस कटिंग को जो हमारी ये गुड़हल की कटिंग है इसको आप धूप में रखना है और फुल धूप में रखना है, क्योंकि फ्रेंड मैंने इसको अभी काफ़ी दिन से मैंने इसको पानी में डाला हुआ है, इसलिए इसको छाया वाली जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी फ्रेंड क्या है कि अभी सर्दी भी ज़्यादा होने लग गई है, अब धूप भी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, तो इसका कोई भी परेशानी नहीं है, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल में धूप में रखूँगी अच्छे से इसको, और बहुत अच्छे से हमारी कटिंग तैयार हो जाएगी। इसको मैं आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी हमारी कटिंग ये तैयार हो रही है। और आप इसको पॉलीथिन से कवर करना चाहते हैं तो कवर भी कर सकते हैं, और नहीं कवर करना चाहते हैं तो इसी तरह भी रख सकते हैं। मैं तो फ्रेंड इसी तरह से कटिंग्स लगाती रहती हूँ और मेरी बहुत ही इजीली कटिंग लग के तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से आप फ्री के ग्रो बैग बनाकर और कटिंग लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड कुछ दिन पहले मैंने ये कटिंग तैयार की थी और इसी तरह से मैंने इस कटिंग को भी तैयार किया था। देखिए आप यहाँ पर छोटी सी कटिंग मैंने ली है, कम से कम फ्रेंड 6 इंची की कटिंग तो आपको लेनी चाहिए, 6 इंच से कम लेंगे तो नहीं लगेगी इसलिए, और जितनी बड़ी हो वो तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह देखिए हमारी कितनी अच्छे से कटिंग ग्रो हो रही है, और यहाँ देखिए कितने अच्छे से इसकी पत्ते निकल रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी ये कटिंग ग्रो हो चुकी है, 4 से 5 इसमें स्टेम भी निकल चुकी हैं। इसी तरह से मैं अपनी इस गुड़हल की कटिंग को भी ग्रो किया है फ्रेंड। जब ये और थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद मैं इसको बड़ा पॉट दे दूंगी, जब छोटा प्लांट हो तो छोटा पॉट और बड़ा प्लांट हो तो बड़ा पॉट। और ये देखिए फ्रेंड ये मैं लेके आई थी, ये जो गुड़हल है ये भी मैं खरीद के लेके आई थी फ्रेंड, और इसमें देखिए कलियां बन रही हैं और फ्लावर आने वाला है, और ये हर मौसम में खिलता रहता है इसमें फ्लावर। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये भी हमारी गुड़हल है, इसको भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया था फ्रेंड, और इसमें पिंक कलर का फ्लावर आता है। अभी फ्रेंड इसमें क्या है कि सुबह हम पूजा करते हैं तो इन फ्लावर को तोड़ लेते हैं, तो अभी आपको फ्लावर नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप कटिंग को तैयार कर सकते हैं। गुड़हल की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, गुलाब की हो गुड़हल की हो, और बहुत ही आसानी से कटिंग्स फ्रेंड लग जाती हैं और बहुत अच्छे से प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से
कटिंग लगाने का तरीका आपको मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड। थैंक यू।